गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी चंचल और मैं रुकी हूँ, जैसा कि आपको पता है, कोकोनट ट्री के साथ। यहाँ पे कोकोनट ट्री मुझे लगता है प्रॉपर्टी का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अंदर इतने सारे कोकोनट के पेड़ लगे हुए हैं। और आपको पता है सबसे अच्छी चीज़, आपको मॉर्निंग में उठते ना आप कोकोनट डायरेक्ट ट्री से उतरवा के कोकोनट वाटर पी सकते हो। लास्ट ब्लॉग में मैंने पूछा था कि कोकोनट वाटर को कन्नड़ लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो किसी ने मुझे क्या आंसर किया? नहीं किया अभी तक। ओ माई गॉड, तो जल्दी से फटाफट रिप्लाई यहाँ कर दो, नहीं तो मैं आपको रिप्लाई सुनवा देती हूँ अगर किसी ने गेस कर लिया हो तो। दिस इज माई प्रॉपर्टी, ओवर देयर इज द रूम एंड लुक एट इट। पता है सबसे मज़ा आता है कि ना ये जो सामने ये वाला एरिया ना, इसमें सोने का, इसके ऊपर चढ़ जाओ और लेट कर यू नो पूरा आराम से, क्योंकि यहाँ पे गर्मी तो है नहीं। तो गाइस ये यहाँ का लोकल मतलब चावल है, विच इज ईटन लाइक ऐसे ही पानी के साथ। दिस इज ऑल्सो डन इन केरला। दिस इज कॉफी, दिस इज आलू प्याज का पराठा एंड दैट्स द ब्रेकफास्ट कह लो, थैंक यू, या फिर ये कह लो ब्रंच, दैट्स ब्रंच। अन्ना तो शेफ अन्ना। वो मतलब कोकोनट के मेन बीच पे, जो कि मेरे स्टेज से अराउंड पड़ता है 10 से 15 मिनट की दूरी पर, और हम जा रहे हैं स्कूटी पे। एंड आई शो यू द वाइब ऑफ दिस प्लेस। मैं इस प्लेस को रिकॉर्ड करने वाली हूँ नीचे लिए, तो अगर आप मिस करते हो मेरी इंस्टाग्राम रील्स को तो नीचे मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का वो लिंक मेंशन करती हूँ, जिसको मेरी रील्स अब यहाँ पर भी शेयर करने लग गई हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले करो, बिकॉज अ बिग अवे गिव अवे इज कमिंग इन जनवरी। अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुँच गए, देर इज़ अ बिग ह्यूज गिव अवे जिसमें आपको चांस मिल सकता है मेरे साथ ट्रैवल करने का, एग्जैक्टली मेरे साथ ट्रैवल करने का। इट कैन बी वन पर्सन ऑफ दिस ब्लॉग में कवर करने का इरादा तो बहुत सारे पीछेज है, मगर ये लड़का चप्पलें ढूंढ रहा है जस्ट बिकॉज इसको एक शूट के लिए चप्पल चाहिए। कहाँ से हो आप? कुमटा। कुमटा, कुमटा कहाँ है? होलनगद्दे। मतलब यहीं पर पास ही है, दूर नहीं है, यहाँ से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर, अच्छा। तो मतलब यहाँ आते रहते हो फैमिली के साथ एंजॉय करने? यहाँ पर जो है कुछ फंक्शन होगा तो हम आते हैं। अच्छा, कैसे मतलब फैमिली फंक्शन या फिर? वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स द मेन बीच। सो गाइस हम आ चुके हैं इस वक्त गोवा गोकर्णा के मिंटो से मेन बीच पर, और ये हमारे सर जूते पहन कर आए हैं, उनको ये नहीं पता था बीच में जूते नहीं पचलते हैं। मैं चप्पल नहीं लेके आया हूं, मैं चप्पल लेके नहीं आया। कैसा फील कर रहे हो तुम जूते पहन के? बहुत अच्छा। तो देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ जो आप बीच पर कर सकते हो, सच ऐसे आप वॉलीबॉल प्ले कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्ले कर रहे थे, स्पिनर एंड ऑल। अदरवाइज आप जस्ट बीच पे एक साइड बैठ के व्यू इन्जॉय कर सकते हो, नहीं तो पानी में डुबकी मार सकते हो। नेक्स्टली वी आर गोइंग फॉर अ बोट, मतलब 5 हम ऐसे बीचेस एक्सप्लोर करने वाले हैं आस पास के। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रमन। And ये है हमारे प्रॉपर्टी ऑनर जो हमें ड्रॉप कर रहे हैं। सर आपके कितने कॉटेज हैं यहाँ पे? मिनिमम 13। ये 13 है पूरे मिला के प्रॉपर्टी पे? ओके। 3 डॉर्मेट्री भी है आपके पास? 3। और कितने बेड्स हैं डॉर्मेट्री में? 14 का एक, 6 का एक और 3 का एक। वाओ। और नॉमिनल रेट क्या चाहते हैं वैसे आपका डॉर्मेट्रीज का, क्योंकि बाइकर्स मोस्टली डॉर्मेट्री प्रेफर करते हैं? तो बाइकर्स के लिए ज़्यादा सा नहीं, कॉलेज लोगों के लिए वो है। अच्छा, कॉलेज लोगों को रूम चाहिए होता है? हाँ, उनके लिए बस। चलो गूगल पर रेट मिल जाते हैं लोगों को, पक्का क्योंकि रेट तो फ्लक्चुएट होते हैं। चलो रमन जल्दी से आ जाओ, क्या रह गया, लेट हो रही है हमें, तुम लड़की बन चुके हो। एक लास्ट क्वेश्चन और, हम उसको क्या बोलते हैं कोकोनट? सॉरी ये तो ये भी हल्का है बहुत, मेरी गाड़ी गेट की तरह सही है। कोकोनट रेलनीर,
Yel. So today I'm gonna go for the boating. I'm going to explore like yahan ke local beaches and it's gonna be fun. Kayaking karenge. Chalo. आई नो पीछे का शोर बहुत होने वाला है बट मैं जा रही हूँ उस वक्त बता चुकी हूँ आपको आपको मतलब कि बोट पर ये बोट मुझे कॉस्ट करे लाइक 1000 rupees एंड दिस एक्चुअली वर्थ गोइंग अगर आप मतलब यू नो वाटर एक्टिविटीज के फैन हो और आप उसके साथ साथ यहाँ के सारे बीचेस एक्सप्लोर करना चाहते हो कि बीचेस एक्सप्लोर करने का सही मजा यहाँ पर है स्पॉट से. ओम बीच इस ओम बीच का नाम इसलिए ओम बीच है क्योंकि ये पूरा ओम की शेप में बना हुआ है एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट विजिटेड बीच यहाँ पे जो मतलब ये बीच की वाइब्स है ना वो पूरा ओम में लिखा हुआ है. अभी मैं ओम के नीचे की साइड हूँ वो मिड पॉइंट है फिर उससे आगे एक और पॉइंट है तो यहाँ पे अभी लोग बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहे हैं. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई गेस बीच एरिया में विजिट करने का अगर आपको टैनिंग नहीं चाहिए तो एग्जैक्टली. तो मैं जब लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो आगे की तरफ एक रेस्टोरेंट है जो यहाँ पे बहुत फेमस है आई गेस नाम आई एम नॉट श्योर मुझे नाम एकदम से याद नहीं आ रहा बट आई एम गोना रिकॉल द नेम वेरी सून. तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली हैव फन विद यू नो प्लेइंग बीच साइड्स गेम्स. दैट्स द हाफ मून बीच ओवर देयर. सो दैट्स द थर्ड बीच व्हिच यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर एंड इसलिए इसका हाफ मून नाम है क्योंकि हाफ मून की शेप में है एज यू कैन सी हाफ मून की शेप में है. अगर मैं इसकी वहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये हाफ मून शेप में है पूरा तो इसलिए इसका हाफ मून बीच नाम है. बीचेस सारे के सारे एक जैसे क्यों दिखते हैं मुझे ये समझ नहीं आता बट दिस इज एक्चुअली द पैराडाइज बीच गाइस. बट सारे बीचेस एक जैसे ही दिखते हैं मे बी आज लोग अलग अलग दिख रहे होंगे और बीचेस सारे एक जैसे ही दिखते हैं. पानी 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 पानी. अरे वहाँ पर तो टेंट भी है मतलब आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो यू वॉन्ट टू. अगर आप पानी में भी जंप करना चाहते हो तो यू कैन. वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू जंप टू डू काइकिंग और जंप इन वाटर अभी तो बिल्कुल भी आई एम नॉट रेडी टू गो बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट वेट. पैराडाइज बीच पे आने के लिए आपको बेसिकली ट्रैकिंग करनी पड़ेगी. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है. मेरे सामने टेंट्स हैं वहाँ पे काइकिंग है और उसके अलावा आप पानी में भी कूद सकते हो जहाँ पे जैकेट्स पहन के से लोग घूमे हैं सब पानी में और वैसे भी डॉन का टाइम है. ये झूला चेक करो नमन कैसे पेड़ पर चढ़ता है. बंदर ऐसे बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं. रमन यू कैन डू इट. रमन जी तुम क्या कर रहे हो पेड़ के साथ भी शुरू हो गए तो शर्म नहीं आती रमन जी. फाइनली रीच बैक टू द बेस एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय टू द बोट. पीपल आर गोइंग टू एंजॉय मोर एंड इट कॉस्टेड अस लाइक 1000 फॉर 3 beaches. और इसके अलावा यहाँ पे जो अगर आप इसमें जा रहे हो अगर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हो तो फिर डॉल्फिन्स भी देख सकते हो और उसके अलावा देर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आप बर्ड्स की आवाज़ सुनने भी जा सकते हो. आफ्टर डूइंग द बीच एरिया हम आए हैं पिज़्ज़ा खाने जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है और खम्बुजा यहाँ की लोकल ड्रिंक है तो वी गोना ट्राई खम्बुजा एज वेल. और हम हैं हाफ वे होम के बाहर एंड वुड ओवन पिज़्ज़ा. ओके लेट्स ट्राई खम्बुजा. यहाँ पे कर्नाटका में प्रतीक के वो भी तेरे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ना सारा सेटअप वुडन का होता है और मतलब जितना यहाँ के सामान ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत मुझे लगता है कम बाहर के सामान से होती है. लाइक दैट इज़ अ थिंग ओनली बट आई कांट से द वर्ड रूड राइट.